गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। रामपुरा की पाठशाला में आज आपका फिर स्वागत है। और आज का टॉपिक हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, पुलिस की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए, जब किसी धनराशि का कुछ परसेंट वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो, तो आपको आज धनराशि ज्ञात करना है। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा आज की वीडियो में, और देखिएगा आप इसे लगाना सीखेंगे बड़ी ही आसान तरीके से। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। ऐसा सवाल अगर आपको कभी परीक्षा में नजर आए, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप फटाफट क्या करिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा, P = D और 100/R^2। बस इसमें आप इसको रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डी का मतलब होता है अंतर, जो 65 है, और आर का मतलब है यानी कि दर, जो 10% है। पी हमें ज्ञात करना है, तो आप क्या करिएगा, P = D का मान 65 और 100/R का मान दिया हुआ है 10^2। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, तो 65 × 10^2 = 100, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 6500 रुपया। बस कैलकुलेशन आपकी इतनी फास्ट होनी चाहिए, पहाड़े आपको इतने अच्छे से याद होने चाहिए, और आपको वर्ग और घन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो मैथमेटिक्स आपका सरल हो जाएगा। इस बात की आप खुद देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, मूलधन याद करना आसान हुआ, P = D 100/R^2। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो देखिएगा, इस सवाल को भी लगाने के लिए आप फटाफट क्या करिएगा, MS रूल के मुताबिक आपको याद हो गया क्या, बिनोदैट हम जानते हैं P = D 100/R^2। डी का मतलब है डिफरेंस, यानी कि जो अंतर दिया है, तो P = D का मान 4 है, और यहाँ पर देखो इस्तपाक से 4% वार्षिक दर भी 4 ही है, और होल स्क्वायर लगा दिया, तो P = 4 और ये हो जाएगा 2500 को 100। अब 25 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, तो 25 होता है 625, 4 का गुणा करा दीजिए भाई, 4 × 5 = 20, हाथ में आए 2, 4 × 2 = 8, 2 = 10, हाथ में आया 1, 6 × 4 = 24 और 1 = 25, तो करेक्ट आंसर आपका कितना होगा डियर स्टूडेंट, 2500 रुपए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, दैट इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। तो देखिएगा, 5 × 5 = 20, 4 × 2 = 10, 6 × 4 = 25। इस तरह से आशा करते हैं कि आपको ये दोनों सूत्र, दोनों सवालों से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो तीसरा सवाल आपकी डिस्प्ले पर नजर आ रहा है, आप यहाँ पर क्या करिएगा, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और देखिएगा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। हम आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर आएगा, हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।